हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारत में ज़्यादातर संविधान के संशोधन के बारे में बातचीत लगा रहता है कि संविधान में ये संशोधन हो जाता, वो संशोधन हो जाता। इन सब के बारे में हम बातचीत करते रहते हैं हाल ही के दिनों में और हर जगह पे। तो ये संशोधन आखिर हमारा आया कहाँ से है? अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 368 के तहत भारत का संविधान में संशोधन का नियम बनाया गया है कि आर्टिकल 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन हम अमेंड तो कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप एक केसेस जानते होंगे जो कि फेमस हुआ था, जो कि केशवानंद भारती केस में जाना जाता है पूरे भारत में। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, उसमें बोला गया कि उसमें एक जजमेंट पास हुआ जो कि 13 जजेस के बेंच में 7-6 का था। उसमें बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल्स में अमेंड कर सकता है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। कभी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो केशवानंद भारती केसेस में बोला गया पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के बाकी सब कुछ अमेंड कर सकता है। तो ये चीज पूरा अगर देखेंगे तो यूएसए के हम एग्जाम्पल लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब कि जो अमेंडमेंट होता है, ये बहुत रिजिड है। और ब्रिटेन का देखा जाए तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन इंडिया में जो हमारे भारत में संविधान संशोधन होता है, ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए हमारे भारत में संविधान में अमेंडमेंट के हम थोड़ा प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। एक्चुअली भारत के संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या क्या है? पहला प्रोसीजर मेनली ये होता है, संविधान जो संशोधन होता है वो ओनली पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता। मतलब कि कोई भी राज्य के विधानसभा में ये अमेंड नहीं हो सकता, सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा में ही पार्लियामेंट आर्टिकल जो है वो अमेंड कर सकता है, संशोधन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट। तो ये क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में जब कोई बिल जाता है तो बिल जाने से एक होता है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हो गया। आप सुने होंगे कि कोई मेजोरिटी के साथ पास हो गया। ज्यादातर दिनों में हम बात करते रहते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हो गया, ये मेजोरिटी है इस गवर्नमेंट का, इस सरकार का, तो यहाँ पास हो जाएगा। तो ये धारा हम पूरा समझेंगे। जब मतलब कि कोई बिल जाता है तो एक्चुअली क्या है स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स? स्पेशल मेजोरिटी प्रेजेंट मेंबर ऑफ द हाउस, जो प्रेजेंट मेंबर है हाउस के, उसके 2/3 मेजोरिटी। तो आप सोच रहे होंगे 2/3 मेजोरिटी, इसका मतलब अगर 260 भी चले गए तो 2/3 मेजोरिटी, अगर प्रेजेंट मेंबर 260 है उसका 2/3 नहीं। 2/3 मेजोरिटी का मीनिंग है 272 के प्लस जाना चाहिए। सपोज 400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, उसका 2/3 मेजोरिटी कितना होगा? अगर देखते हैं करीब हमारा 133 के हिसाब से लेते हैं, 133 तो कितना हुआ 266, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। अभी हम देखेंगे 500 के लेते हैं, 500 में क्या है कि अगर हम टोटल देखेंगे 166 करके 166 168 6 टोटल करके 498 हो रहा है। तो 498 अगर लोकसभा में मेंबर प्रेजेंट है तो डबल 168 एंड 168, दैट्स मींस 336 मेंबर अगर रह रहे हैं, तो इसी चीज को बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि 272 के प्लस होना चाहिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी। नहीं तो टोटल मेंबर अगर 545 अगर मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर अगर हुए तो इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। वैसे ही राज्यसभा में भी होता है, इसी चीज को बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास होना। तो ये पास होता है कुछ ही को लेके, जैसे कि जब बोथ हाउस में ये पास हो जाता है, चाहे सिंपल मेजोरिटी मींस ओनली मेजोरिटी होना चाहिए कुछ, जैसे कि 272 प्लस हो गया
कि अगर 400 सीट है, 400 में से 201 भी प्रेजेंट है तो एक सिंपल मेजोरिटी है, इट इज ओके। 272 मतलब कि 545 में से 273 74 भी आ गए, इट इज अ सिंपल मेजोरिटी। मतलब कि कोई भी है, जितने प्रेजेंट मेंबर हैं उसके 50% से ज्यादा हो तो इसी को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। और जो है कि हमारा स्पेशल मेजोरिटी है वो 2/3 होना चाहिए। ये बोथ हाउस, वो राज्यसभा के लिए भी यूज होता है, वो लोकसभा के लिए भी यूज होता है इसी चीज को। तो ये जब बोथ हाउस में कोई भी बिल जाता है तो जैसे कि पास होता है, पहले लोकसभा से हो जाता है फिर राज्यसभा में अटक जाता है। आप ज्यादातर तो सुने होंगे राज्यसभा में इसका मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा में है तो राज्यसभा में बिल अटक जाएगा। तो इसके बारे में मैं एक पॉइंट बोलूंगा, सिर्फ मनी बिल को अगर छोड़ दें तो बाकी तर सभी बिल बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से बोथ लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा में पास होने के बाद वो बिल टर्न टू बी द एक्ट, वो एक्ट बन जाता है प्रेसिडेंट के कंसेंट से। बिल, एक बिल जब जाता है प्रेसिडेंट के पास, वो जब प्रेसिडेंट से कंसेंट से वो अप्रूव हो जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट मिल जाता है तो बिल एक्ट बन जाता है। कोई भी बिल हो, सिर्फ मनी बिल ही लोकसभा से पास होता है, जो कि राज्यसभा नहीं जाने से भी राज्यसभा नहीं जाता। ओनली पार्लियामेंट में, लोकसभा में मनी बिल ही सिर्फ लोकसभा ही पास करता है, बाकी सभी बिल इन दोनों के बीच ये रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर में ये नहीं हो सकता, तो हमारा अमेंडमेंट एक्चुअली क्या है? जैसे मैंने बोला कि स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के बारे में, तीन टाइप का, थ्री वे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीन टाइप का अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में। ये क्या क्या है? पहला है हमारा अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, जैसे मैंने बोला कि सिंपल मेजोरिटी के बारे में, सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर रहे तो वो अमेंड हो सकता है वो आर्टिकल। और एक रह रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी, और एक भी रहता है जो कि हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर। तीन है जो कि है कि सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट होता है, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट होता है, तीसरा है हमारा रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये तीनों है। तीनों में से अगर हम देखेंगे सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन सा चीज पास हो सकता है, पहला चीज है हमारा कोई न्यू स्टेट्स अगर हमें बनाना हो उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। न्यू स्टेट्स का नेमिंग, कोई टेरिटरी का नेमिंग करना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तीसरा है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ज्यादातर भारत में करीबन सेवन टू एट स्टेट है जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हमारे ओडिशा में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो असेंबली ज्यादातर स्टेट में रहता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट में है, जो कि विधान परिषद से नाम, बिहार में है विधान परिषद, अब यूपी में है विधान परिषद, महाराष्ट्र में है विधान परिषद, इसमें मैं बोलूंगा कि विधान परिषद ये सब जगह पे है। तो ये काउंसिल को, मेंबर को बढ़ा सकता है, कमा सकता है, ये भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हो सकता है। चौथा चीज है कि हमारा प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर विथ इन सबका जो अलाउंस होता है, सैलरी के साथ अलाउंस होता है, इसको बढ़ाने कमाने का काम भी सिंपल मेजोरिटी से हमारा ये बिल अगर पास होगा तो हो सकता है। उसके बाद रहा कि हमारा कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर सकते हैं। कोरम एक्चुअली ये होता है, जब हम पार्लियामेंट के टॉपिक में आएंगे तब हम कोरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये आता है सैलरी अलाउंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्रियन जितना है उनका सैलरी और अलाउंस कितना मिलना चाहिए, ये भी सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है। उसके बाद रहा कि हमारा इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन और पार्लियामेंट में जो इलेक्शन है, ये भी एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है। लेकिन ज्यादातर चैलेंजेस हमारा आता है स्पेशल मेजोरिटी के वक्त। स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ कुछ ही चीजों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास हो सकता है, जैसे कि पहला रहा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो कि अमेंड होने के। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकता, जो कि केशवानंद भारती केस 1973 में जो जजमेंट आया था, तो ये है। उसके बाद आया डीपीएसपी, ज्यादातर हम डीपीएसपी सुनते होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि ये चीज भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है। तीसरा है कि जितना भी प्रोविजन है, ऑल अदर प्रोविजन व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी का बोलने का मतलब ये है कि हम जब संविधान पढ़ते हैं उसमें कैटेगरी है, तो ये पहले और तीसरे कैटेगरी में जो प्रोविजन आते हैं व्हिच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी जिस प्रोविजन में नहीं है, बाकी सब कुछ
इसके दायरे में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा हम अमेंड कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के, जो कि हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। केशवानंद भारती का देहांत हाल ही के दिनों में हो गया और केशवानंद भारती केरला स्टेट के थे। एक दिन हम केशवानंद भारती केस के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। और एक चीज है कि स्पेशल मेजोरिटी के बारे में मैं बोल दिया, अभी मैं बोल रहा हूँ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी तो मिल गया कि स्पेशल में 2/3 मेजोरिटी अगर हम लोकसभा से राज्यसभा से है मिल गया, फिर भी हमारा अमेंड नहीं हो सकता अगर जितने स्टेट्स हैं उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स, अगर हाफ ऑफ द स्टेट डिसएग्री हैं कि उनके स्टेट लेजिस्लेचर में वो लोग डिसएग्री हैं, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी नहीं है। सपोज भारत में अगर देखेंगे तो आज के डेट में 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स में से अगर 15 स्टेट्स में, 15 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर हैं उनके 50% से ज्यादा उस बिल के पक्ष में वोट नहीं करते, इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलता तो ये बिल पास हो नहीं हो सकता। इसमें क्या किया जाता है, इस बिल के तहत जो कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इस बिल के तहत ये आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के ऊपर आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल रहता है इसीलिए। दूसरा आता है कि हमारा जीएसटी काउंसिल, तीसरा क्यों जीएसटी काउंसिल बहुत स्टेट एंड सेंटर रहेंगे तो इसके लिए हमारा, तीसरा आता है कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 7th शेड्यूल के जो है ये भी आता है, जो कि स्टेट्स भी बहुत हैं जो कि ज्यादातर सेंटर और स्टेट रहते हैं उनके बीच ही ये रहता है। जो फिर चौथा रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन को कितना मिलना चाहिए स्टेट को कितना मिलना चाहिए, इस पावर के ऊपर जो अमेंड होगा आर्टिकल्स के तहत जो दिया गया है, ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा होता है। फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी इसी के दायरे में आता है। ये टोटल रहा हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थैंक यू।